गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, टेक आउट योर रिवीज बुक चैप्टर 8 यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस। यहाँ पर कई प्रकार के जानवर और जीव हमारे चारों ओर हैं। दीज क्रिएचर्स एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, और इन जानवरों की, इन जीवों की अपनी अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं। दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वे अपने अपने अलग अलग प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। इन डिफरेंट वेज दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच्स देयर। इस प्रकार सबकी अपनी अपनी तरीके हैं फूड की उपलब्धता के लिए, फूड ढूंढने की उपलब्धता के लिए और फूड तक पहुंचने के लिए सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। वाइल मूविंग एंड सीक्रेट एंड ऑर्डर्स सब्सटेंसेस सो दैट द एंड्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम टू आइडेंटिफाई द वे। When an ant bites us, then it injects that poisonous substance into our body while causes pain. अब जो चींटियाँ होती हैं वो जब चलती हैं तो अपने पीछे एक सुगंधित पदार्थ छोड़ती हुई जाती हैं, जिसकी वजह से जो दूसरी चींटियाँ हैं उसको फॉलो करती जाती हैं। जब एक चींटी हमें काट जाती है तो अपना जहर उसमें हमारे शरीर में छोड़ देती है, इसकी वजह से हमें पेन होता है। गिन्नी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विद हर ब्रदर दीपक। गिन्नी जो है अपने पड़ोस में अपने भाई के साथ, दीपक के साथ गई थी, जा रही थी। गिन्नीज फुट गॉट हिट विद अ स्टोन। गिन्नी का पैर एक पत्थर से टकराया। She saw that large group of ants was under her foot. तो उसने देखा कि उसके पैर के नीचे एक बहुत बड़ा चींटियों का ग्रुप था। She got nervous and started running along with her brother. वो बहुत नर्वस हो गई और उसने अपने भाई के साथ वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया। At her neighbor's gate, a dog was tied. Which started barking। उसके पड़ोसी के गेट पर उसका कुत्ता बंधा हुआ था जिसने भौंकना शुरू कर दिया। दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डज नॉट लेट हिम कम इन। तो दीपक ने उसे बताया कि कुत्ते जो हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने देते। चिंकी एंड चीनू वॉज overwhelmed with joy in playing hide and seek game। चिंकी और चीनू जो थे वो बहुत खुशी से खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे। A 2 rupee coin of one of their friends fell down। उनमें से एक दोस्त का 2 rupee का सिक्का नीचे गिर गया। All started searching for it, but they were not able to find it because it was dark। तो वह उन सब ने उस सिक्के को ढूंढना शुरू कर दिया परंतु वह उन्हें नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था। Suddenly चिंटू saw a bat flying fast। He said, look, the bat is flying easily in dark while we are not able to find our coin। तो वहाँ पर एक बैट उड़ रही थी तो उसने देखा और कहा, देखो ये बैट यानी कि चमगादड़ कितने ईजिली अंधेरे में भी उड़ रहा है जबकि हम अपने 2 रुपये का सिक्का नहीं ढूंढ पा रहे। देन चिंकी टोल्ड दैट डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज टू सी एंड डू एंड टू वर्क। तो चिंकी ने बताया कि अलग अलग लिविंग बींग्स में अलग अलग क्षमताएँ होती हैं देखने की और काम करने की। ब्रिंग सच फ्रूट्स इन टू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना। नाउ गिव द फ्रूट्स ऑफ 2 blindfolded students टू स्मेल।
आप फ्रूट्स लाइए, अपने क्लास में आप पोषाहार योजना के तहत जो फ्रूट्स मिले हैं वो क्लास में लाओ और दो पट्टी बंधे हुए स्टूडेंट्स को उन्हें दे दो। आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स बाय स्मेलिंग, और उन्हें कही उन्हें पूछो कि फ्रूट्स को स्मेल के ज़रिए पहचानने के लिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर्स, इस प्रकार फूलों को दीजिए और उसकी उसको पहचानने के लिए कहिए, और आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स लाइक सोप, शुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल्स एक्सेट्रा बाय टचिंग और छूकर, जैसे कि साबुन है, चीनी है, पेन है, नमक है, पेंसिल्स को टच करके छूकर पहचानने के बारे में पूछिए। गिव समथिंग टू फ्रूट लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट, और जैसे फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं और उसे पहचानने के लिए टेस्ट करके पहचानने के लिए कहिए। हु कैन सी हाउ फार, राइट डाउन सम नेम्स ऑफ ऑन पेपर, एक पेपर पर कुछ नाम लिखिए। प्लेस इट ऑन द वॉल, और उसे दीवार पर टांग दीजिए। नाउ सीइंग द नेम्स वॉक अवे फ्रॉम द वॉल एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली। तो उसे कुछ नाम लिखिए एक पेपर पर, उसे दीवार पर लगा दीजिए, उसे आप पीछे दीवार से बहुत दूर चले जाइए और ये नोटिस करिए कि आपको कितने दूर जाने से वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। तो नोटिस करिए हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली, कितने दूर जाने से आप इसे दूर जाने से आप इसे कैसे क्लियरली देख सकते हैं, क्या आप इसे क्लियर तौर पर देख सकते हैं दूर जाने से। हाउस ये आई स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लाई और ए मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट, आई का जो आँखों का आकार होता है एक उड़ने वाली मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई और एक मॉस्किटो मच्छर का डिफरेंट होता है। एक मच्छर और एक मक्खी का जो आई स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। दे फ्लाई अवे एट वंस, सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, तो उनकी आँखें जो हैं एक मक्खी और एक मच्छर की जो आँखें होती हैं वो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की आँखों से डिफरेंट होती हैं। अ लाउड वेडिंग प्रोसेशन वॉज पासिंग नियर मयंक्स हाउस, सीइंग दिस मयंक पुट हिज फिंगर इन टू हिज ईयर्स बिकॉज इट वॉज वेरी लाउड। गुंजन आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, मयंक सैड इट इज़ वेरी नॉइसी। मुनिया आस्क्ड व्हाट डज इट मीन बाय नॉइस, मयंक सैड व्हेन वी हियर ए साउंड लाउडर देन अवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज़ कॉल्ड नॉइस। तो बारात का एक बारात जो है मयंक के घर के पास से गुजर रही थी और ऐसा देखकर मयंक ने जो है इतना शोर सुनकर मयंक ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली परंतु क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा शोर था। तो गुंजन ने उसे पूछा कि क्या हुआ, मयंक ने बोला कि ये बहुत शोर है। तो मुनिया ने पूछा व्हाट डज इट मीन, तो नॉइस से क्या मतलब है, नॉइस का क्या मतलब है, शोर का क्या मतलब है। तो मयंक सैड जब सुनने की क्षमता से ज़्यादा शोर होता है, जब सुनने की क्षमता से या जब कानों के सुनने की क्षमता से ज़्यादा शोर सुनाई देता है, ज़्यादा आवाज़ आती है तो उसे नॉइस कहते हैं। अ डॉग बिकम्स अलर्ट हेयरिंग इवन ए लो साउंड बैट प्रोड्यूसेस हाई पिच्ड साउंड वाइल फ्लाइंग, द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट। हेयरिंग दिस इको अ बैट कैन ईजली फ्लाई एट नाइट टाइम ऑल्सो, डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैव डिफरेंट हेयरिंग कैपेसिटीज। एक डॉग जो है कोई भी धीरे से भी आवाज़ सुनने पर भी अलर्ट हो जाता है। बैट जो है चमगादड़ जो है हाई पिच की साउंड छोड़ती है जब वो उड़ती है। द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, तो साउंड जो है हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, सामने से कोई चीज़ टकराकर मतलब आवाज़ वापस आती है। हियरिंग दिस इको द बैट कैन ईजली
इस इको की वजह से बैट जो है रात के समय में भी बिल्कुल आसानी से उड़ सकती है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैव डिफरेंट हेयरिंग कैपेसिटीज़। अलग अलग क्रिएचर्स की, अलग अलग जीवों की जो है सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। तो बेटा आप इतना रीडिंग करिए, हम आगे पढ़ेंगे। ओके।